इंच जमीन ले ले, घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मोहल्ले का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हर आने वाला सबसे पहले बनाना चाहता है और अपने प्लॉट के बाद दीवार बनाना चाहता है अपने घर की। मतलब अपना कितना प्लॉट है 30x30, तो पूरा लो और दीवार 30x30 के बाहर बनेंगी फिर, ठीक है। बाकी लोग बाद में बनाएंगे, तो वो जनाब अपना घर बनाते उनके ज़मीन पर, ये जनाब सरकते, और जो बेचारा आखिरी में आता, जो लास्ट प्लॉट वो बनाने आता, उसको बेचारा बोलता मेरी तो इधर से 3 फीट अंदर, इधर से 4 फीट अंदर आ गए लोग, और इधर से अंदर, अब मेरा प्लॉट था 30x30 का 900 स्क्वायर फीट, अब मिल रहा हाथ में 600। तो सारे मोहल्ले वाले बोलते बाबा हम क्या करना, उसूल क्या है हमारे पास, मस्जिद में चप्पल घूमी तो दूसरे की चप्पल अपन उठा के लेके चल जाना। तो मैंने जब जगह गिना तो उसने मेरे लिया था, तो मैं इधर सरका, अब उसने उधर सरका, उसने तो मैं क्या करूँ उसमें, मेरी क्या गलती, मतलब मेरी चप्पल चोरी मैंने आपके लिए ली, मेरी क्या गलती है, आप किसी और के ले जाओ, वो किसी और के ले जाएंगा। सुभान अल्लाह, क्या तरीका है। लेकिन आखिरत के एतबार से ये मामला वो लोग गौर से सुने, बहुत सारी बार होता है रमज़ानों में, आप देखते भी होंगे कभी कभार रास्ते से जा रहे आप, एक रमज़ान को देखे तो एक मस्जिद बनी हुई रहती है, अरे कल तक मस्जिद नहीं थी, मस्जिद कहाँ से बन गई। तो बोले प्लॉट वाला 10 साल से कोई दिखाई नहीं, बोले मस्जिद डिक्लेयर कर दिया उसको, वो बेचारा भाग क्या था, अरे भैया मेरी जगह है खाली करो, आप रमज़ान के बाद देखेंगे, अब नहीं होता खाली वाली, अब शुरू हो गया मुसल्ली उसल्ली आ रहे अब। और जो ये काम करता है ना, बाद में बोलता मैच खाली करा के दे देता हूँ, इतने आसानी से नहीं होती, अब बैठ के बात करना पड़ती है, अब ज़रा आसान नहीं है, समझ रहे आप। तो लोगों ने इसको अपना बिजनेस बना दिया, ज़िंदगी जीने का तरीका। इन लोगों की ज़िंदगियाँ भी बदतरीन गुजरती और अमवात बहुत ही बदतरीन हालत में होती, मौतें, क्योंकि बंदों को बहुत, इंसान को तकलीफ़ होती है ना, वो अपना सब कुछ लगा के ज़मीन ख़रीदता है, उनको वो ले ले बोले तो उसका सब कुछ गया ऐसा लगता है ना। यकीनन जिसका गया अल्लाह उसको आखिरत में उसका बदला देगा, लेकिन क्या लेने वाला आखिरत में जहन्नुम के लिए रेडी है। वो स्टॉक जो सिर्फ एक बारिश जगह के ऊपर 7 जमीनों के वजन का, क्या उसके लिए रेडी है, क्या उसके लिए हम तैयार है, और हम हिम्मत से कह सकते हैं हाँ हम तैयार हैं, हम ले लेंगे वो, लेकिन आखिर हमको दुनिया में ज़मीन चाहिए, ज़्यादा चाहिए, दूसरों की भी चाहिए। आम हो रहा है इसलिए मैं बात रख रहा हूँ, वो लोग जो दूसरों के घर मार लेते किराए से लेकर, गौर करें यहाँ एक बालिश की बात हो रही, तुम उसका प्लॉट मार देते हो पूरा का पूरा, और ये कहते हो कि इतने दिन किराया दे तो मालिक हो जाते हो। मैं कह रहा हूँ शरीयत के नज़दीक क्या तुम मालिक होते हो उसके, मसला ये है। शरीयत के नज़दीक क्या तुम मालिक होते हो उसके, मसला ये है। बहुत गौर करने का मुकाम है, इन हकूक़ को हम पामाल करते हैं, मामूली समझते हैं, गौर करे, फिक्र करे, और आइंदा अगर किसी ने ऐसा किया हो तो लौटा दे, मेरे भाई ये गलती हुई, या आप किसी से आपको वापस दे दीजिए उसको वापस उठाकर। हम डट कर ले रहे हैं, जम कर ले रहे हैं, और प्लानिंग कर रहे हैं कहाँ कहाँ खाली चीज़ें लेते जाओ, बहुत गौर करें।